भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कानून ही जिसकी नींव है, उसके महत्व को नकारना क्या ये सोच उचित है? पर्याप्त है मौजूदा यातायात कानून, क्योंकि यही तो यातायात की रीढ़ है, यही तो यातायात की रीढ़ है। श्रद्धे मंच एवं उपस्थित वृंदो, आप सभी को मेरा अभिवादन। महोदय, सदन में रखे गए विवादित विषय का पुरजोर विरोध करते हुए मैं यह कहना चाहूँगा कि यातायात नियम वर्तमान की महती आवश्यकता है। सघन यातायात तभी सुरक्षित व सुगम्य होगा जब हम यातायात नियमों का पालन करेंगे। एक क्षण के लिए सोचें कि यदि यातायात नियमों को शिथिल कर दिया जाए तो सड़कों का जो दूरदर्शी हमारे सामने आएगा वह अत्यंत विध्वंसकारी होगा। महोदय, यातायात का वर्तमान नियम पर्याप्त है, क्योंकि समय समय पर होने वाले संशोधनों ने इसे वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल बना दिया है। महोदय, सड़क सुरक्षा का मौजूदा कानून भारत जैसे लोकतांत्रिक देश की रीढ़ है। यातायात नियम पर्याप्त इसलिए हैं क्योंकि इसके अभाव में व्यवस्थित परिवहन व्यवस्था की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सुचारू यातायात व्यवस्था का आधार यातायात नियम है और इन नियमों का पालन करना हम सबकी जिम्मेदारी है। यातायात वाहनों का अबाध गति से बढ़ता जखीरा यातायात व्यवस्था के समक्ष एक चुनौती बन चुका है, और इस चुनौती को स्वीकार तभी किया जाएगा जब हम मौजूदा यातायात नियमों का पालन करेंगे। महोदय, यह शाश्वत सत्य है कि कानून द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति ही स्वयं को सुरक्षित रख पाते हैं। वर्तमान जीवन शैली एवं लोगों की मानसिकता को मद्देनजर रखते हुए सड़क सुरक्षा के मौजूदा कानून बिल्कुल पर्याप्त सिद्ध होते हैं। महोदय, मौजूदा यातायात कानून यथार्थ के धरातल पर आधारित है और यातायात नियम प्रायोगिक अनुभव का परिचायक है। विवादित विषय का विश्लेषण यदि व्यावहारिक धरातल पर किया जाए तो हम पाते हैं कि यातायात नियमावली मात्र औपचारिकता नहीं वरन स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए परम आवश्यक है। महोदय, सड़क सुरक्षा का मौजूदा कानून मूल कर्तव्यों के दायरे से घिरा है। यातायात नियमों का प्रायोगिक व सैद्धांतिक ज्ञान प्रत्येक वाहन चालक के साथ ही साथ प्रत्येक नागरिक को भी होना चाहिए, चाहे वह वाहन चलाता हो या ना चलाता हो, क्योंकि आवश्यक है कि हम उन कारणों को भी जानें जो यातायात नियमों को शिथिल कर उनके मार्ग में बाधक बनते हैं। महोदय, गत वर्ष आयोजित किए गए यातायात सप्ताह के दौरान अंतिम दिन जब हमने लाभ मंडपम में शपथ ली थी कि हम आज से हेलमेट पहनकर ही दुपहिया वाहन चलाएंगे, यातायात नियमों का पालन करेंगे आदि आदि, किंतु कई लोगों को ऐसा देखा जाता है कि वे सड़क पर मोबाइल पर बातें करते हुए वाहन चलाते हैं, स्टॉप लाइन के आगे खड़े रहते हैं। तो महोदय, इसमें यातायात नियमों की क्या दोष इसमें यातायात नियमों का क्या दोष इसमें आवश्यकता है जागरूकता की, जो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा द्वारा ही लागू किए जा सकती है। महोदय, यातायात शिक्षा को एक अनिवार्य विषय का दर्जा देकर प्राथमिक स्तर से पढ़ाया जाए, ताकि जब वह विद्यार्थी वाहन चलाने की पात्रता प्राप्त करे तो उसे यातायात नियमों का ज्ञान हो और इन नियमों का पालन कर वह स्वयं को सुरक्षित रख सके। और इस हेतु जिस जागरूकता की आवश्यकता है वह हमें मौजूदा कानून द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। महोदय, मेरे प्रतिपक्षी वक्ता जिनका मानना है कि मौजूदा कानून अपर्याप्त हैं, तो मैं उन्हें सचेत करते हुए कहना चाहूँगा कि 1 सितंबर 2019 को लागू किए गए मोटर व्हीकल एक्ट के कारण वर्ष 2018 की तुलना में 2019 में पूरे भारत में, जी हाँ महोदय, पूरे भारत में, जिसमें छत्तीसगढ़ में 75%, उत्तराखंड में 22%, गुजरात में 14%, उत्तर प्रदेश में 10% आदि प्रतिशत दुर्घटनाओं में कमी आई है। महोदय, क्या ये उदाहरण पर्याप्त नहीं कि मौजूदा यातायात कानून सड़क सुरक्षा के लिए वरदान है? अंततः मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि सफलता मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, सफलता मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है, और सड़क सुरक्षा के लिए मौजूदा कानून पूर्णतः पर्याप्त हैं, पूर्णतः पर्याप्त हैं। धन्यवाद, जय हिंद।